जो जवाब देती है, उसके जो डायलॉग्स हैं दे प्रिटी हैवी बट बिलीवेबल हैं बिकॉज शी इज़ डिलीवरिंग दम वेरी वेल. विल अ कबाड़िया हैव दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल इज माय क्वेश्चन. जो कबाड़खाना दिखाया था वो वाज़न्ट आइदर दिखाते पुराने फर्नीचर. इशी नहीं नहीं वो ये यूट्यूबर है बच्चा, ये भी ऐसे बच्चे यूट्यूबर. ओके सो सेकंड यूट्यूबर दैट्स वन हैज टू से इज वेरी वेरी प्रॉमिसिंग बिकॉज़ रोल जो है वो भारी रोल है. स्मॉल रोल. इट्स नॉट अ यू नो कॉम्प्लिकेटेड. शुरू से ही कॉम्प्लिकेटेड है कि आपका बाप पोजेसिव है, आपकी माँ बेचारी हैं, यू डोंट वांट टू मैरी द मैन यू वांट टू. और अपना कथार्सिस जो वो निकालती है, एक उसका सीन है माँ के साथ जिसमें पूरे कहानी का टोन सेट हो जाता है कि बाप कैसा है, वो क्या फील कर रही है, जो जवाब देती है. उसके जो डायलॉग्स हैं दे प्रिटी हैवी बट बिलीवेबल हैं बिकॉज शी इज़ डिलीवरिंग दम वेरी वेल. सो वन ऑफ द मेन रीजन्स देखने का इसमें वो है इस बच्ची का और इसके साथ ऑब्वियसली क्या होना है. अदरवाइज कहानी अभी भी वही है जो यू नो फादर इज़ पोजेसिव, माँ आगे से कुछ बोलती नहीं है. दानिश फैमिली इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज दानिश खुद काम करता है, बिकॉज कह रहे हैं ना कि वो खुद कमाता है. एट अ यंग एज ही स्टार्टेड वर्किंग बिकॉज बाप इज़ अ कंजूस. बाप कबाड़ी कबाड़ी एक्चुअली एक्चुअली सो कबाड़िया कैन डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस दैट दे कैन हैव स्लाइटली लैविश हाउस बिकॉज मुझे घर थोड़ा सा घर बहुत लैविश था. कभी ना पैसे लगाए. एक कंजूस आदमी अपने घर पे इतने पैसे कभी नहीं लगाए. कंजूस आदमी की सिर्फ जात ही कंजूस नहीं होती. वो तो हो सकता है कि उसको फैमिली से मिलाओ, लेकिन द थिंग इज दैट विल अ कबाड़िया हैव दैट काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल इज माय क्वेश्चन. आपने घर के बाहर नेम प्लेट देखी थी फलाना कबाड़िया? हां वो इस तरह के घर पे इस तरह कबाड़िया कौन लिखता है? कौन लिखता है? ये ऑर्डर था ये ऑर्डर था. और उसका जो कबाड़खाना दिखाया था वो वाजंट आइदर दिखाते पुराने फर्नीचर. यू नो दे शुड हैव शोन दैट काइंड. दुकान दिखाई तो थी एक जो नहीं जिसमें वो कहता कि चीजें तोड़ना मत, लेकिन इट वाज फुल ऑफ जंक. देयर वाजंट एनीथिंग दैट वाज एक्सपेंसिव. दुकान में कर लेते. हां दे शुड हैव गॉन टू एन एक्चुअल एंटीक शॉप होती एंटीक वाले. इट लुक लाइक अ जो सेट के होते हैं ना हमारे जो प्रॉप्स की लुक लाइक अ प्रॉप की रूम. हाई एंड दिखाया कबाड़िया शॉप. सो आई फेल्ट दैट इट्स फॉर अ फर्स्ट टाइम राउंड लाइक आई सेड I enjoyed Danish's performance because it wasn't the typical angry man. अच्छा एक और मुझे बहुत अजीब लगा कि आपका जो ब्रेकफास्ट है ठीक है और आप उधर एक पंखा नहीं लगा रहे एक इंसान के लिए. पंखा उठवा दिया वहाँ से कि नहीं चलना. जब अपने घर में बैठे हैं आपके फानूस भी चल रहे हैं, चीज़ें भी चल रही हैं, उस वक्त आपकी सोच सिर्फ खाने तक महदूद है कि जूस इतना पियो. अगर एक डायरेक्टर दैट्स बैडली आई थिंक द स्क्रिप्ट हैज इट्स फ्लॉज. आई थिंक द गर्ल्स लाइंस आर वेरी गुड और एटलीस्ट हर साइड ऑफ द स्टोरी ऑफ द फादर एंड द मदर एंड द थिंग वो मुझे सही लगा. इस साइड पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे लगता है कि जो लिखा गया था वो लोअर तबके के लिए लिखा गया था. उन्होंने इसको अपर तबके में ले आए हैं फॉर अगेन द रीज़न ऑफ आई डोंट नो. यही कर रहे हैं ना हम अभी. सो अभी फॉर मी उसकी एक वजह होनी चाहिए, अदरवाइज ये कैरेक्टर बिलीवेबल नहीं है. हो सकता है आगे जाके हो. अभी तो फर्स्ट अभी तो पहली एपिसोड्स हैं. सो आई होप सो. बट अदरवाइज जैसे आप लोगों ने कहा था कि कबाड़िया दिखाना इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बट वी लॉस्ट इट समवेयर डाउन द लाइन बिकॉज ऑफ द देयर इज़ अ कॉन्वर्सेशन जहाँ मैंने पहले भी मैंशन किया था बिटवीन द मदर एंड द डॉटर. जब वो कहती है ना कि और वो शी अपनी कैथारसिस निकालती है दैट व्हेन आई डोंट हैव द फ्रीडम व्हाई डू यू इवन बेसिकली आस्क मी. बट वेरी नाइस आई थॉट दैट दोज वर दैट वॉज अ गुड सीन. लेकिन उस सारे के बाद कहती मुझे वो आदमी भी नहीं पसंद जिससे मेरी शादी होने वाली है. और उसके बावजूद जब माँ उसको बताने आती है कि कल तुम्हारे बात पक्की होने वाली है, तुम खुश हो? आई डोंट गेट इट. डोंट आई मीन आई रियली डोंट नो वेदर दैट्स अ फ्लॉ इन द राइटिंग. वॉट इज़ इट यू नो योर डॉटर इज़ नॉट हैप्पी एंड यू नो एक दिन में व्हाई यू आस्किंग दिस आप बिल्कुल उस सवाल को इग्नोर करते हैं, पूछते भी नहीं, वो एक्सप्रेशन भी नहीं देते कि मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है. देन दिस थ्री मेन एंड दिस गर्ल कमिंग फॉर ट्यूशन. सीरियसली वो तो मैं भी अगर उस घर में होती मैं कहती हैं आप कौन सी क्लास की कि आप मेरे पास ट्यूशन के लिए आ रहे हैं. हल्किंग ग्रोन अप मैन तीनों के तीनों घर के अंदर आ गए.
सारा कुछ देख भी लिया। ये डायरेक्शन में करेंगे। हाँ नहीं, लेकिन एक आदमी जो इतना पोजेसिव है वो अपना घर का दरवाजा बंद नहीं रखेगा कि तीनों की तीनों अंदर ही आ गए, यू नो। सो फॉर मी इट वॉज ऑल ओवर द प्लेस। एंड दानिश's कैरेक्टर वॉज रिटन स्लाइटली डिफरेंटली टू वॉट दानिश हैज़ बीन पोर्ट्रेइंग, येट इट वॉज वेरी सिमिलर। लेकिन देर वॉज अ लिटिल बिट ऑफ ह्यूमर, लिटिल बिट ऑफ भोलापन, वो एक आ गया उसमें। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है, आई डोंट नो, बट ही लुक्स एग्जैक्टली द सेम एज ही इज लुकिंग इन द अदर प्ले। इसको ड्रामे मिलेंगे, ही इज़ माशाल्लाह वेरी यंग लुकिंग, ही इज स्टिल गोइंग टू, यू नो, एंड आई थिंक ही शुड पेस इट, अदरवाइज ही इज बीन लुकिंग द सेम फॉर द लास्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स। I mean, he's not the Danish Taimur who I can remember when he first started. I mean, there was a carefreeness thi is ladke mein, which was so inviting and it was so, but khair, that's a different thing. But the thing that I never understand is ke aapko pata hai ke baap next level possessive hai, thoda sa pagal hai, wo ladki bata rahi hai, uski dost, why do you want to put this girl into such a position? Where she is going to get into? Yeah, writer ने क्या plan किया? ये मुझे नहीं समझ आती कि आप क्यों, अगर आपको एक, if you love someone, are you going to put them in danger? No, you're not. इसकी so, इसी अच्छी अच्छी situation बनाई जा सकती थी, इस scene को improve किया जा सकता था. Five. So, because I think direction के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, because it wasn't anything impressive. It was the director है कौन? अब्दुल्ला बादीनी. अब्दुल्ला बादीनी। ओके। आई थिंक जहाँ राइटर ने मिस्टेक्स किए हैं उसको फिक्स नहीं हुई। अब अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई डू नो दैट, नो आई वॉन्ट से दिस, जहाँ मिस्टेक्स हुई हैं वहाँ डायरेक्टर ने उनको ठीक नहीं किया। इट्स लाइक ही इज जस्ट शॉट इट, बस जो ऑफिस उन्होंने दिखाया था वो अमूमन बहुत, वो जगह बहुत शूट होती है, तो आई थिंक द आर्ट डायरेक्शन देयर वाज वेरी नाइस। अब मेरी नज़र वहाँ जा रही थी बिकॉज देयर वाज नथिंग एल्स। एंड देन देयर वाज अ शॉट वेयर द मदर कम्स टू टॉक टू द फादर, जिसमें वो बताता है कि कल ये लोग आ रहे हैं बात पर, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग शॉट था बिकॉज ही वाज सिटिंग अलोन इट अ पिंजरा विद टू बर्ड्स इन अ केज। दैट आई थॉट वाज वेरी सिंबॉलिक, इफ इट वाज, बट इट वाज अ वेरी नाइस शॉट, इट वाज रियली रियली नाइस। फिर रिश्ते वाला जब सीन आया था जिसमें दानिश रिफ्यूज करता है, तो दानिश वॉज सिटिंग लाइक दिस एंड द कैमरा वॉज हियर, ठीक है। अब वहाँ रिश्ते जो बाप था उसका लड़की का, वो यहाँ बैठा हुआ था, उसका अपना बाप यहाँ सीधा बैठा। दानिश's आई लुक वॉज टोटली ऑफ, बिकॉज वाई, बिकॉज उसका, अगर इफ ही वेंट दैट वे उसका प्रोफाइल आता एंड दिस वुड ऑल्सो बी हाफ ऑफ कैमरा, मूव कर लेते आप इंस्टेड ऑफ, यू नो, हिज लुक सो, इट वॉज सो डिस्ट्रैक्टिंग। So I thought he was talking to the father. No, he was talking to the father-in-law, and then he was talking. So, you know, आपको लग रहा है कि मेहनत नहीं हुई भी, कि no one is thinking the drama through, no one is thinking about the shots, no, बस शूट कर दो 12 सीन एक दिन में। इसमें जब शुरू में इसके जो ये आते थे ना, तो उधर रिपीट लिखा, तो मैं आई थॉट वाज जो नादिया कह रही है ना, आई थॉट पुराना ड्रामा, फिर आपने कहा नहीं नया ड्रामा, वहाँ आपने मुझे कहा था क्यों लिखा हुआ था, I don't understand. I don't think it can be more. I would even say 4.5, I think, for the director. Rubina ji. Liked her lines. Usme logic bahut thi ki aap padha kyun rahi hain agar aapne yahi karna tha sab kuch. Khalipan, loneliness, escapism. I mean, itni sari cheeze ek ladki ki jo life dikhai hai. और आगे जाके वैसा ही हस्बैंड मेरे ध्यान में ये, जैसे आप लोगों ने बताया कि शी इज अ सोशल मीडिया स्टार यूट्यूबर, तो वो तो बड़े वाइब्रेंट होते हैं, वो बड़े लाइवली होते हैं, तो एक ऐसा इंसान इस तरह की आपको दे रहा है और उसके डेफिनेटली फॉलोअर्स होंगे जब तक, तो जहाँ तक पहुँची है, तो इसका तो मतलब ये है कि उसने कोई बहुत ही कुछ डिफरेंट ही कोई चीज़ की है जिसकी वजह से वो स्टैंड आउट कर रही है। न्यू फेस कम्स ना, उसको आप कोई भी रोल देंगे इट्स गोइंग टू लुक डिफरेंट, वाई, बिकॉज वो अपनी एक पर्सनैलिटी लाती है उसमें। The rest of it was okay. तो इस लड़की को आपके कितने नंबर देंगे? लड़की को I will give her a 6 now. I think, yeah.